हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूटीफुल हॉली प्लेसेज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो मैं मॉस्क लेके आया हूँ उसका नाम है ग्रैंड जामिया मॉस्क, कराची के अंदर है, जो लोकेट है कराची के अंदर। और इसमें जो लोग नमाज पढ़ सकते हैं उसकी तादाद है 8,000 तक लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये बन कहाँ रही है, ये बैरिया टाउन कराची के अंदर बन रही है। और ये इसकी होल पिक्चर है। के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वज़ीर ख़ान मॉस्क के बारे में, और ये लाहौर के अंदर पंजाब में मौजूद है और किसकी कैपेसिटी है 10,000 तक। और ये बिल्ड हुई थी 1642 के अंदर, और ये बिल्ड किसके रिजन में, मेरे शाहजहाँ के रिजन में हुई थी। और ये इसकी होल पिक्चर। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बासिया मॉस्क के बारे में। ये वाक़ कहाँ पे, भागलपुर के अंदर, और इसकी जितने लोग इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं वो 1,000 तक लोग नमाज पढ़ सकते हैं इसके अंदर। इस्टेब्लिश हुई थी 1849 के अंदर और ये बिल्ड की थी नवाब बहावल खान ने। इसके बाद मैंने शाही मॉस्क चनोट के अंदर मौजूद है इसके बारे में। तो इसकी कैपेसिटी है 1200 लोग इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। और इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1646 से 1655 के दरमियान, और ये बिल्ड बाई हकीम सादुल्ला खान ने की थी। एम्ब्रिक मॉस्क, ये कहाँ पर वाक़ है, ये गलते बल्तिस्तान में है, ठीक है। और इसमें लोग कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, एक वक्त में 500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। एस्टैब्लिश हुई थी 14th century के अंदर और ये सैयद अली हमदानी ने बिल्ड की थी। इसके बाद हम डिस्कस करना है बादशाही मॉस्क के बारे में। ये लाहौर के अंदर मौजूद है और इसकी कैपेसिटी 1,00,000 तक लोग इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। और एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1673 के अंदर, और ये सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे आती है जो वर्ल्ड के लिहाज से, ठीक है। और देखिए बहुत खूबसूरत मॉस्क है। इसके बाद हमारे पास चक चैन मॉस्क आती है और ये कपलू गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, ठीक है। और कैपेसिटी इसकी 500 लोग इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। और इस्टेब्लिश कैंप हुई थी 1370 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी और ये कश्मीरी स्टाइल में बनी है, ठीक है। CMS मस्जिद जेहलम, ठीक है जी। इसके बाद ये जेहलम के अंदर है, ये कैंट एरिया के अंदर है, ठीक है। और इसके व्यक्ति है 2500 लोग इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1950 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये लोकेटेड है जेहलम के अंदर, जो कैंट एरिया उसमें मौजूद है, ठीक है। और ये जनरल मोहम्मद अयूब खान के दौरे हुकूमत में बना था। इसके बाद इसके बने दाता दरबार के बारे में, ठीक है। तो ये लाहौर के अंदर है, ये सबसे बड़े हैं और इसकी कैपेसिटी है 5,200 लोग, 52,000 लोग नमाज, 52,000 लोग। और इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1978 के अंदर, ठीक है, 1970 के अंदर। और दाता दरबार लोकेटेड इन सिटी लाहौर, ठीक है। और ये अब्दुल हुसैन अली हजवेरी कॉमनली नाउन एज दाता गंज बख्श, उनके नाम से बनी है, ठीक है। ये इसकी होल पिक्चर है। अब डिस्कस करने वाले हैं फैसल मॉस्क, जो कि कहाँ वाकई है, इस्लामाबाद के अंदर वाकई है। और इसकी कैपेसिटी इतनी है कि 3,000 तक लोग नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिश की थी 1986 के अंदर। और जो फैसल मॉस्क की बनी है, ये आप इसके नाम से बनी थी, सऊदी किंग फैसल के नाम से बनी थी। 1,000 लोग अंदर हॉल में पढ़ते हैं नमाज, और 2,000 का एरिया बाहर, ठीक है, कोर्ट यार्ड के अंदर नमाज पढ़ते हैं। 2,00,000 लोग, सॉरी, 1,00,000 मस्जिद के हाल के अंदर और 2,00,000 उसके कोर्ट यार्ड के अंदर नमाज पढ़ते हैं। इसकी होल पिक्चर है। खजाने मदीना इसके बाद आती है, ये कराची सिंध के अंदर मौजूद है
और इसकी शुरुआत की है। 20,000 लोग एक दफ़ा नमाज पढ़ सकते हैं इसके अंदर। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1999 के अंदर, ठीक है, 1999। और ये मॉस्क दावत इस्लामिया के लार्जेस्ट मॉस्क है पाकिस्तान के अंदर। बहुत खूबसूरत है ग्रैंड मॉस्क अलाहाबाद। और ये कहाँ वाक़ है? नौशहरो फिरोज और डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर है, ठीक है। कैपेसिटी इसकी है 10,000 तक लोग इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। इस्टेब्लिश कब हुई थी? अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी, क्योंकि ये अभी बन रही है। और ये ग्रैंड मॉस्क अलाहाबाद लोकेटेड इन कंतारो सिंध के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये देखें इसके और कितनी खूबसूरत, अभी बन रही है। इसके बाद आती है जामिया मॉस्क खुदाबाद, ठीक है, जो लोकेटेड कहाँ पे है? दादू डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर है, ठीक है। और कैपेसिटी इसकी है 5,000 लोग इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। और इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1718 के दरमियान इस्टेब्लिश हुई थी ये वाली। और ये मॉस्क सिचुएटेड इन खुदाबाद इन दादू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिल्ड किसने की थी? रीजन किसके रीजन में बनी थी? मोहम्मद कलहरों के दरमियान बनी थी, उसके रीजन के दरमियान, उसके जब रीजन चला था और हुकूमत चला था तब बनी। आगे आ जाती है तूबा मॉस्क, तो ये कराची के अंदर चीन के अंदर मौजूद है, ठीक है। और कैपेसिटी इसकी 5,000 लोग इसके अंदर एक नमाज पढ़ सकते हैं। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1969 के अंदर। और ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में बनी है, ठीक है, बनी है। शाहजहां मॉस्क आती थी इसके बाद। शाहजहां मॉस्क ठट्ठा के अंदर सिंध के अंदर वाक़ है, ठीक है। कैपेसिटी इसकी है 20,000 लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। और इस्टेब्लिश कब थी? 1647 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। और शाहजहां मॉस्क 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, ये सेंचुरी होती है। और ठट्ठा सिंह की, ठीक है, दौरे की मुद्दे बनी थी ये वाली, शाहजहां एम्पल के दौरे को मुद्दे बनी थी। और इसमें ठट्ठा सिंह के अंदर मौजूद है, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है।